hey everyone and welcome back to my channel in this video i will be reviewing a serum from pons named as pons bright beauty 12% vitamin c plus e plus a serum well uh, before getting started do not forget to hit that subscribe button for more upcoming skincare content and review so in today's video i have uh, chose this particular serum from pons because it has superb and uh, powerful ingredients used that two three in one ingredient well hum usually अलग अलग इंग्रेडिएंट्स uh, के सीरम चूज़ करते हैं सपोज विटामिन सी सीरम, विटामिन ई सीरम और देर आर सो मेनी सीरम्स अवेलेबल इन द मार्केट नाउ अडेज सो दिस सीरम हैज़ थ्री मेन इंग्रेडिएंट्स यूज मीन्स थ्री टाइप्स ऑफ सीरम्स जो कलेक्टिवली फॉर्मुलेट किया गया है इस

करते रहती हूँ अपने स्किन पर रिव्यू देती हूँ बट ये जो सिरम है इसकी जो मुझे सबसे खास बात लगी वो ये है कि इसमें तीन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को एक साथ फॉर्मुलेट किया गया है दैट कम्स ईजी फॉर अस एंड ऑल्सो इट इज ईजिली अवेलेबल एट दी ऑनलाइन वेबसाइट्स ऑनलाइन वेबसाइट्स पर आपको ईजिली ये मिल जाएगा ऑल्सो फॉर योर फर्दर असिस्टेंस आई हैव पुट दी लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओ वहाँ पर इस सीरम का मैंने लिंक ड्रॉप कर दिया है वहाँ जाके आप और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो रिव्यूज़ देख सकते हो और आप इसकी प्राइस भी देख सकते हो कि एक किस मोमेंट पर इसका क्या प्राइस है बिकॉज ये हमेशा डिस्काउंटेड रेट पर आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाए

को भी डील करता है इट इज आल्सो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स बट आई विल सजेस्ट कि जो जिनकी ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है दे शुड गो फॉर दिस सीरम बिकॉज़ ये जो सीरम है बिकॉज़ इसमें तीन इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं सो दैट इज गोइंग टू बी सूटेबल फॉर ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन एज कम्पेयर टू ऑयली स्किन पीपल या फिर जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है अगर आप फिर भी सिरम को यूज़ करना चाहते हो तो आप ड्यूरिंग विंटर सीजन अप्लाई करो बिकॉज तब हमारी जो स्किन होती है जिनकी भी ऑयली स्किन होती है दैट टेंस टू गेट नॉर्मल ड्यूरिंग दैट डेज या फिर हल्की ड्राई हो जाती है तो आप तब कोई भी लाइक सिरम मॉइस्चराइजर आप यूज़ कर सकते हो बट आई वुल हाइली सजेस्ट कि ये सिरम सिर्फ और सिर्फ ड्राई स्किन पीपल या फिर नॉर्मल स्किन वाले ही यूज़ करें अब हम बात करते हैं इसके तीन मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि ये जो तीन इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं क्या किस किस स्किन कंसर्न से ये पर्टिकुलर सिरम डील करता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ विटामिन सी सो विटामिन सी एक बहुत ही वेल नोन इंग्रेडिएंट है जैसे हमें सबको पता है जो उसका मेन बेनिफिट है वो ये है हमारी स्किन के लिए कि हमारी स्किन को वो ब्राइटन करता है इट रिमूव्स रिमूव डलनेस फ्रॉम आर स्किन सो विटामिन सी क्या करता है हमारे स्किन पे अगर हमारी स्किन डल हो गई है उसे लाइक ब्राइटन अप करने में वो हेल्प करता है क्लियर करता है हमारी स्किन को काफ़ी क्लियर कॉम्प्लेक्शन देता है इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स योर स्किन फ्रॉम सन डैमेज सपोज हमारी स्किन को सन डैमेज हो रखा है टैनिंग हो रखी है उसे भी रिमूव करने में ये हेल्प करता है अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स आ गए हैं पोस्ट एक्टि मार्क्स आ गए हैं तो उसे भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है विटामिन सी प्लस अगर आपको फाइन लाइन रिंकल्स की प्रॉब्लम है सो तो उससे भी डील करता है विटामिन सी तो ये सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी के प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपकी स्किन पे वर्कआउट करती है ना मूविंग अहेड टू द अदर इंग्रेडिएंट दैट इज विटामिन ए वेल विटामिन ए के भी अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे कि ये नॉर्मलाइज़ करता है सीबम प्रोडक्शन को ना नॉर्मलाइज़ कैसे करेगा सीबम प्रोडक्शन को सपोज आपकी ऑयली स्किन है और काफ़ी ज़्यादा एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस कर रही है आपकी स्किन तो उसको नॉर्मलाइज़ करेगा इट विल हेल्प यू अचीव दैट मैट फिनिश तो जो एक्सेसिव ऑयल यूज हो रहा है आपकी स्किन पे उसको एक्चुअली बोलते हैं तो उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है ऑल्सो uh, अगर आपको एक्ने इशू है उसे भी एड्रेस करने में काफी हद तक हेल्प करता है विटामिन ए तो जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है या ऑयलीनेस की प्रॉब्लम है उनके लिए विटामिन ए इज़ अ पावरफुल इन्ग्रीडियंट टू बी यूज इन एनी ऑफ दी प्रोडक्ट्स इवन टोन्स द स्किन स्किन को इवन टोन करता है क्लियर कॉम्प्लेक्शन देता है ऑब्वियसली अगर आपकी स्किन पर कहीं पर भी टैनिंग हो रखी है या फिर कहीं आपको डार्क स्पॉट्स हो गए हैं उसे रिमूव करेगा तो आपकी जो स्किन है इवन टोन लगेगी क्लियर कॉम्प्लेक्शन देखने को मिलेगा ऑल्सो विद दैट इट रिड्यूस द रिंकल्स अगर रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो लाइक माइल्ड रिंकल्स रिंकल उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा नाउ मूविंग अहेड टू द लास्ट मेन दैट इज विटामिन ई तो विटामिन ई e भी बहुत वेल नोन इंग्रीडियंट है स्पेशली जिनकी ड्राई स्किन है ड्राई स्किन को हमेशा विटामिन ई e के प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए ताकि जो उनकी स्किन पर ओवर ड्राइनेस है उससे डील करता है विटामिन ई बिकॉज इट हेल्प्स यू गिव द प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन के लिए जाना जाता है विटामिन ई बिकॉज जिनकी ड्राई स्किन है उनकी स्किन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमेशा ड्राई ही रहती है ड्राइनेस की वजह से डलनेस होने लग जाती है तो डलनेस को कैसे रिमूव किया जाएगा जब आपकी स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन मिलेगा तो मॉइस्चराइजेशन हमेशा देता है विटामिन ई अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है कोई ऐसा स्किन इशू है तो उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है ऑल्सो आपका लाइक uh, स्किन like, पे एक तरीके का बैरियर फॉर्म हो जाता है विटामिन ई यूज़ करने से ताकि ईजिली आपकी स्किन पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो तो ये तीनों के अपने अपने बेनिफिट्स uh, हैं जो अगर इस तीनों को कलेक्टिवली इस पर्टिकुलर सिरम में यूज़ किया गया है तो आप सोचिए कि इसके कितने अमेजिंग रिजल्ट्स होंगे कितना अमेजिंग बेनिफिट्स होगा मैं तो ये सजेस्ट करूँगी जिसकी भी ड्राई स्किन है यू मस्ट गो फॉर दिस पर्टिकुलर सिरम हाउ टू यूज़ इट वेन टू यूज़ इट आपको इसे कैसे अप्लाई करना है कब आप इसको अप्लाई करोगे सो so, पहले आप अपना फेस क्लेंस करोगे उसके बाद आप इस सीरम को मॉर्निंग इवनिंग ट्वाइस इन अ डे यूज करोगे Because ये वाटर लाइक -like है इजिली अब्जॉर्ब हो जाता है तो आपको इसको फिर भी प्रॉपरली ब्लेंड या मसाज करते हुए अपने फेस पर अप्लाई करना है उसके बाद वन या फिर टू मिनट्स का आप गैप दोगे उसके बाद यू कैन फॉलो इट अप विधअ अ मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन वट यू लाइक सो ये आप यूज करोगे आफ्टर क्लेंजिंग एंड बिफोर मॉइस्चराइजिंग योर स्किन आप चाहो तो इसको ट्वाइस इन अ डे भी यूज कर सकते हो या फिर वंस इन अ डे इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू या फिर आप स्किन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर स्किन कंसर्न्स के ऊपर की आपको इसे कितनी बार यूज करना है और कब कभ कब यूज करना है सो वेल दिस इज इट अबाउट द अबाउट द अमेजिंग पॉइंट सी प्लस ई प्लस ए सिरम आई विल हाईली सजेस्ट कि आप जरूर इसे परचेज करें इसे यूज़ करके देखें एंड यू विल बी अमेज विद द रिजल्ट एंड ऑल्सो पोंड्स इज वन ऑफ दी वेल नोन ब्रांड्स हैं पॉन्ड्स के स्किन प्रोडक्ट्स भी काफ़ी फेमस हैं और क्वालिटी बेस्ड भी होते हैं तो आप जरूर इस सिरम को यूज़ करिए उसके बाद अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो या फिर कोई भी क्वेरी है आपको तो आप कॉमेंट सेक्शन में नीचे कॉमेंट कर सकते हो आई एल ट्राई टू रीच यू आउट सून आपकी कोई भी क्वेरी है उसको सॉल्व करने की मैं पूरी ट्राई करूँगी Uh, thank you so much for joining me today I hope this video has helped you out until next time stay healthy stay glowing